नमस्कार, जनसत्ता डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाराशर। और मैं हूं रचना रावत। हम लेकर हाजिर हैं बिग बॉस सीजन 11 के 24वें एपिसोड के अपडेट्स, यानी कि पिछले एपिसोड में क्या कुछ हुआ उस बारे में हम बात करते हैं। और जो कल का एपिसोड रहा है, उस एपिसोड में इंटरेस्टिंग चीज ये रही कि बिग बॉस में पूजा, यानी ढिंचक पूजा, जिनका काफी ज्यादा इंतजार कर रहे थे, फैंस को काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। जब शुरुआत हुई तो जितने कंटेस्टेंट आए उनमें पूजा नहीं आई, काफी सारे लोग निराश हुए। लेकिन अब वाइल्ड कार्ड एंट्री के माध्यम से उनको घर के अंदर लाया गया है। लेकिन चौथे ही दिन पूजा काफी टूटती नजर आई, क्योंकि चौथे ही दिन पूजा रो पड़ी है घर के अंदर, यानी नजर आ रहा है कि थोड़ी सी कमजोर कंटेस्टेंट वो हो सकती है। शायद हो सकता है कि उनका ये तरीका हो गेम को खेलने का। बिल्कुल, तो पूजा अपने इस दौरान रो पड़ी, और रोने की वजह उनकी कुछ ऐसी थी कि टास्क के दौरान हिना खान और जो दूसरी पार्टी थी, ऑपोजिट पार्टी, इन दोनों के बीच में वो फंसती हुई चली गई, क्योंकि उनको प्रेशराइज किया जा रहा था कि तुमको घर के अंदर चले जाना चाहिए या तुमको नहीं जाना चाहिए। तो वो इन दोनों के बीच में असमंजस में फंस गई थी। और जब ये हुआ तो उसके बाद में खामियाजा भी भुगतना पड़ा, क्योंकि घर के अंदर चली तो गई वो टास्क को इनकम्प्लीट करते हुए, लेकिन खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि उनकी टीम के जो बाकी सदस्य थे, यानी कि हिना खान और सपना चौधरी और बाकी के लोग, उन्होंने पूरी तरीके से ब्लेम कर दिया ढिंचक पूजा को ये टास्क इनकम्प्लीट होने के लिए और इस टास्क में उनको कमजोर करने के लिए। बिल्कुल, वहीं शिल्पा जो है उनको सपोर्ट करती हुई नजर आई, टेबल पे बैठे हुए थे, साथ में खाना खा रहे थे। तो इस दौरान शिल्पा ने बोला कि कोई बात नहीं यार, इस तरीके से दिल पर लेने वाली बात नहीं है, तो इतना रोने वाली बात नहीं है, रो मत और दिल पर ज्यादा मत लो चीजों को लेकर के। तो और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ढिंचक पूजा अब घर के अंदर ये जताती हुई नजर आ रही हैं कि वो किस तरीके से काफी ज्यादा रॉयल फैमिली से हैं, काफी ज्यादा रिच फैमिली से हैं, क्योंकि उन्होंने घर के अंदर बाकी सदस्यों से बातचीत में अब ये बता दिया है कि किस तरह से जब वो घर पर रहती हैं तो वो बहुत ज्यादा मतलब काम नहीं करती है। उन्होंने घर में बताया कि मेरा अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया तो मैं तो 10 दिन के लिए बैठ जाऊंगी, मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ, और जब मैं घर पे रहती हूँ अपने तो मेरे लिए खाना पानी सारी चीजें सामने आती है, मैं कोई काम नहीं करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ अर्शी खान के साथ मिलकर के आकाश और पुनीश ढिंचक, ये सबके साथ मिलकर के घमासान चौकड़ी मचाने में लगे हुए हैं। इन तीनों की जो है एक तिकड़ी बन गई है, और तिकड़ी के दौरान ये लोग रैप करते हुए नजर आ रहे हैं। हिना खान की टीम, यानी कि ब्लू टीम, और उसके साथ जो रेड टीम है, इन दोनों में हो गई भिड़ंत। और भिड़ंत होना लाजमी था, जब भी कोई टास्क होता है तो दोनों आपस में भिड़ ही जाते हैं। तो इन दोनों की भिड़ंत में भी काफी कुछ दोनों ने एक दूसरे को कहा सुना, जो कि कोई खास नई बात नहीं है मुझे लगता है बिग बॉस हाउस के अंदर। वहीं जब लड़ाई हुई दोनों के बीच में तो हिना और पुनीश इतनी बुरी तरीके से भिड़ गए कि उनको ये तक नहीं पता चला कि उनकी भाषा कहां जा रही है। हिना खान को काफी कुछ कहा गया इस दौरान, और पुनीश अपनी सीमाएं पार करते हुए नजर आए। और हिना खान जो कि काफ़ी ज़्यादा सुन चुकी थी पुनीश से, वो कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आई, क्योंकि उस वक्त तो उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाया पुनीश के सामने, लेकिन बाद में वो गार्डन एरिया में छुप के रोती हुई नजर आई, यानी कि कुछ उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया और वो अपने पेरेंट्स को याद करके काफ़ी ज़्यादा रोती रहीं। तो ये थे बिग बॉस सीजन 11 के 24वें एपिसोड के अपडेट्स, यानी कि पिछले एपिसोड में क्या कुछ हुआ वो हम आपको बता रहे थे। फिर से हाजिर होंगे बिग बॉस के अपडेट्स लेकर के, आप बने रहिए जनसत्ता.com के साथ।